दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं हूँ दिल्ली में जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का निधन हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था, और आज 64वां उनका महापरिनिर्वाण दिवस यहाँ पर दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पे मनाया जा रहा है, जहाँ पर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। और यहाँ पर कई श्रद्धालु जो हैं, बाबा साहब के मानने वाले जो हैं, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस का, प्रशासन का पूरा समर्थन मिल रहा है कि प्रशासन जो है वो इस पे है कि कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बोर्ड वगैरह भी लगाए हुए हैं, और बाबा साहब के लिए जो भी अंतिम जो सांस यहाँ ली गई थी 26 अलीपुर रोड पे दिल्ली में, वहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं और बाबा साहब को फूल और मोमबत्तियों के साथ नमन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही 26 अलीपुर रोड है जहाँ पर बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांस ली थी, और यहाँ से उनका पार्थिव शरीर जो है वो मुंबई ले जाया गया था, जहाँ लाखों की संख्या में उनका दाह संस्कार किया गया था। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से ही एक इतिहास लिखा गया था, इतिहास रचा गया था, जिसका नाम था संविधान। जी हाँ, भारत का संविधान। भारत का संविधान जो है वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने बनाया था, और यहीं पर ही जाग जाग करके तकरीबन 19 घंटे जाग जाग करके बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने वो संविधान लिखा था, और लिखने के बाद उनकी यहीं पर ही अंतिम सांस भी ली गई थी। यहाँ पर तकरीबन रात को भी प्रोग्राम हुआ करते थे हसदो इंडिया के माध्यम से, विजय बॉज जी उसके संस्थापक हैं। 5 तारीख की रात को यहाँ पर वो प्रोग्राम किया करते थे। वो अंतिम सांस एक इतिहास बन गई। सर, आप दीपबुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया से हैं। मैं बताना चाहूँगा कि दीपबुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो सुनील बॉज जी हैं और मेरे साथ हैं। सर, आप यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने आए हैं। बिल्कुल सर, आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब की अंतिम सांस यहीं 5 तारीख की रात, 5 दिसंबर की रात को हुई थी, और 6 तारीख को उसका परिनिर्वाण मनाया जाता है उनका, तो उसी के उपलक्ष्य में आज श्रद्धांजलि देने के लिए और विनम्र अभिवादन करने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। और अभी 11 बजे से हम पूरा मिल बांट के एक हाथ एक समय एक जगह कैंडल जला के बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि एक इनका स्लोगन है, एक समय एक हाथ एक साथ, सब लोग एक कैंडल जलाएंगे यहाँ पर। और दीपबुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुँचते जा रहे हैं। मैं और लोगों से ही बात करूँगा, सर कई सालों से मैं आपको देख रहा हूँ, बाबा साहब अगर अभी भी अगर हमारे साथ होते तो क्या होता? देखिए, ऐसा है कि मैं यहाँ पर बहुत समय से आ रहा हूँ, 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को पार्लियामेंट भी जाते थे और अब भी आ रहे हैं। और रही बात इसकी, जो आपने सवाल पूछा है कि बाबा साहब अगर होते तो डेफिनेटली बाबा साहब ने कहा था कि हमें इस देश के शासक बनना है जी। तो डेफिनेटली हम एक शासक जमात होते, और भारत के अंदर ना तो जाति होती ना धर्म होता, केवल हर व्यक्ति भारतीय होता, भारतीय होता। जिससे क्या है, जो आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है कि जी मुस्लिम ये दंगेबाज करते हैं, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कुछ और कह रहा है, तो सबके पास एक ही वो होता कि भाई हमारा जो धर्म है वो भारतीय है जी। तो हम पूरा, हमारी जाति और हमारा धर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय होगी, केवल भारतीय ही होनी चाहिए। हमारी जाति धर्म क्षेत्र समुदाय क्षेत्र सब कुछ, हम सब भारतीय हैं। हम, बाबा साहब ने भी कहा था, मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद कुछ और हूँ। और हमें नेचुरली जो भारतीयता जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें दिया, वो एक धर्मनिरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन दिया, सेक्युलरिज्म दिया, तो इसीलिए दिया कि इस कितना अच्छा है कि इसमें सभी जाति धर्म वर्गों क्षेत्रों बोली भाषाओं संस्कृति के लोग आपस में सभी लोग मिल के रह सकते हैं जी। तो एक बहुत बड़ा अच्छा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दे गया, आज भी हमें उनकी याद आती है जैसे आपने कहा। तो ये जो जाति के नाम पर दंगे हैं, धर्म के नाम पर दंगे हैं, या किसी और विशेष बातों के नाम पे दंगे हो रहे हैं, एक दूसरे को भाई भाई से लड़ाया जा रहा है, तो बाबा साहब की बात अगर अभी नहीं भी है तो उनका जो बनाया हुआ संविधान है, अगर हम उसको भी लागू कर ले तो हम सब इस देश को एक सर्वश्रेष्ठ देश विश्व में स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल, सर्वश्रेष्ठ देश इस विश्व में हम उसको स्थापित कर सकते हैं। मैं और लोगों सारे लोग यहाँ पर हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लाइन भी लग चुकी है और बहुत सारे लोग अंदर भी हैं और कई सारे लोग आ भी रहे हैं। यहाँ पर सभी का टेम्परेचर नापा जा रहा है और सैनिटाइज़र यहाँ लगाया गया है, और ऑटोमेटिकली सेंसर वाला सैनिटाइज़र है, और सबको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। क्या बाबा साहब
यहाँ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली थी और ये यहाँ पर एक स्मारक बनाया हुआ है। अंदर से बहुत ही खूबसूरत है और सांची का स्तूप है, बाबा साहब की मूर्तियाँ हैं, गौतम बुद्धा की मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर बाबा साहब का अंदर जो स्मारक में जो हॉल बनाया गया है, एसी हॉल है, वो ये जो आप द्वार देख रहे हैं एसी हॉल है और यहाँ पर बाबा साहब की सभी चीज़ें दिखाई गई हैं कि उन्होंने कैसे कैसे और क्या क्या किया था। लोगों का आना जाना लग रहा है यहाँ पर और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। मैं प्रवेश द्वार से आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। ये फाउंटेन लगा हुआ है यहाँ पर और बुद्धम शरणम गच्छामि का एक यहाँ पर सॉन्ग भी बज रहा है और ये पूरे फूलों से सुसज्जित किया हुआ है और फाउंटेन वगैरह सबसे किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाउंटेन भी लगाए हुए हैं। ये सांची का स्तूप है और यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं, कई शहरों से लोग। आप कहाँ से आए हैं? स्वरूपनगर से आए हैं। स्वरूपनगर से आए हैं, कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? दो साल से आ रहा हूँ। दो साल से आ रहे हैं, धन्यवाद। आप कहाँ से आए सर? सर आजादपुर से। जी आजादपुर से। आजादपुर से सर आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, रमेश गौतम मेरा नाम है और मैं हर साल यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। यहाँ पर एक बहुत सुंदर मूर्ति लगाई गई है जहाँ पर सभी लोगों को भेजा जा रहा है, जो भी नमन करने उनको जा रहा है या मोमबत्ती या फूल अर्पण करने जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति को ही भेजा जा रहा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन किया जा रहा है क्योंकि वही जगह है जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली थी और यही कोठी थी वो, अब वो स्मारक के रूप में बना दी गई है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर फूल रखे गए हैं और फूल पैकेटों में अलग हैं और टोकरियों में अलग से हैं ये फूल, और ये फूलों को बाबा साहब को अर्पण करने के लिए लोग आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कोई जाति धर्म से नहीं है सर, आप सिख हैं और फिर भी बाबा साहब को यहाँ पर नमन करने आए हैं, ऐसा क्यों? मेरा नाम डॉक्टर बलबीर सिंह है और मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरा जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया जी, वो बेमिसाल है, वो कोई भी नहीं कर सकता। संविधान का रचयिता भी रहे हैं और हमारे हक के लिए उन्होंने जीवन कुर्बान किया। जी बिल्कुल, हमारे हक के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जीवन कुर्बान कर दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग पहले आके जा चुके हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है उस पर सब लोग फूल चढ़ा करके यहाँ पर लोगों ने बाबा साहब को नमन किया है। पढ़े थे पहले, सब धर्मों के ग्रंथ पढ़े थे, उसके बाद ही बुद्धिज़्म उन्होंने अपनाया था। बाबा साहब ने बुद्धिज़्म क्यों अपनाया था? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उनको एक कारण था, क्योंकि बुद्ध का धर्म उनके पुरखों की जो आज शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स है OBC हैं, जो हिंदुओं में हिंदू नहीं है, और उन्होंने समता समानता का और जो जहां जाति विहीन जो है सबको बराबर का दर्जा देता है वो धर्म है बुद्ध धर्म। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आत्मग्लानी सहन की है हिंदू धर्म के अंदर में, जो मनुष्य से भी बेहतर, उनके जानवर से भी बेहतर उनके साथ में व्यवहार किया गया। एक जानवर, कुत्ते बिल्ली तो इनके चूल्हे चौके तक जाते थे और बाबा साहब एक जाति के कारण वो वहाँ बैठने स्कूल में नहीं बैठ पाते थे, गाड़ी में बैठ रहे, गाड़ी वाले ने भी उनको धक्का देकर निकाल दिया कि तू महार जाति का है, महार जाति शेड्यूल कास्ट में आती है। तो ये थे, तो यहाँ तक कि वो बड़ौदा में नौकरी करने गए थे और वहाँ पारसी होटल में रुके तो वहाँ भी पता चला कि शेड्यूल कास्ट महार जाति का आदमी वहाँ रह रहा है बाबा साहब अम्बेडकर, वहाँ से भी उनको निकाल कर एक पेड़ के नीचे बड़े बेइज्जती के साथ। यानी कि उनको कहीं किसी और धर्म में समानता नहीं मिली, बौद्ध धर्म इसीलिए उन्होंने अपनाया। हाँ, बुद्ध धर्म में ही एक समानता है, बाकी किसी धर्मों में समानता नहीं है। और बुद्ध धर्म एक मनुष्य कल्याण के लिए है, वो कोई ईश्वर और आत्मा और परमात्मा की बात नहीं करते, ईश्वर की बात नहीं करता। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म अपनाया कि जहाँ समता हो, जहाँ समानता हो, सबको न्याय मिले और सबको अधिकार मिले। बिल्कुल, सबको अधिकार मिले, सबको न्याय मिले। क्या बाबा साहब अगर यहाँ इस टाइम और होते, जिंदा होते, तो क्या बुद्धिज्म और आगे बढ़ता? हाँ, बाबा साहब जिंदा होते तो बुद्धिज्म इतने आगे जाते कि बंदा कोई सोच नहीं सकता। जी बिल्कुल, कोई सोच नहीं सकता था कि बुद्धिज्म कितना आगे चला जाता।
कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, क्या अगर बाबा साहब होते तो आज इस देश की दशा क्या होती? अगर बाबा साहब आज होते तो शायद ये हमारी स्थिति ना होती। क्यों? क्योंकि बाबा साहब एक अकेले थे। साहब ने तो स्थिति आपकी ठीक कर दी थी, अब स्थिति क्या नहीं होती, क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं? मैं बताऊंगी, क्योंकि बाबा साहब अगर आज होते तो वो स्थिति इसलिए नहीं होती। जो आज भी हमारी बहिष्कृत और दयनीय स्थिति है वो इसलिए है क्योंकि हम बाबा साहब को तो मान रहे हैं, उनकी फोटो की तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पे नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी पूजा मत करना, जिस मार्ग पे मैं चला हूँ क्रांति का मार्ग, सामाजिक क्रांति, हम जब तक सामाजिक क्रांति नहीं करेंगे तो समाज में सोच नहीं बदलेगी। पहले हमें हर व्यक्ति की सोच बदलनी है। वो हमें दे गए अधिकार, दे गए सब कुछ दे गए, लेकिन क्या आज भी 10% जो ब्राह्मण लोग हैं, जो चतुर्वर्णीय लोग हैं, वो क्यों राज कर रहे हैं हजारों साल से? वो इसलिए कर रहे हैं, वो संगठित हैं, वो कट्टर हैं वो लोग। लेकिन हमारे जो बहुजन भाई हैं वो क्या करते हैं, वो अपना आरक्षण लेके अपने अपने ही में ही पेट पाल रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर बाबा साहब होते तो क्या क्या स्थिति होती, मेरा क्वेश्चन ये था। हाँ, वो स्थिति ये होती कि शायद वो अकेले इतना काम करे तो शायद वो लोगों को समझाते, अब वो नहीं है तो समझा नहीं पा रहे हैं ना। लेकिन बाबा साहब जैसे और बहुत व्यक्ति आज समाज में आ गए हैं जो बाबा साहब की बात को आगे बढ़ा रहे हैं और बाबा साहब के कारवां को आगे लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बाबा साहब के कारवां को आगे लेके जा रहे हैं। जैसे बाबा साहब महान आदमी थे उस तरीके से शायद ही कोई होगा, क्योंकि उनके बाद काशीराम साहब भी आए, वो भी चले गए, और बहुत सारे लोग आए। हमारे दिल्ली में शांति स्वरूप बौद्ध भी थे, वो भी धम्म का काम बहुत जोरों शोरों से कर रहे थे और पूरे देश में धम्म को और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। उनका कोरोना में महापरिनिर्वाण, उनका भी निर्माण हो गया और ये बहुत दुख की बात थी। ये दीप बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये पूरी कतार में इस पूरे स्मारक का राउंड लगाएंगे, चक्कर लगा रहे हैं ये लोग। और आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर एक एक कैंडल लेकर के सब लोग चल रहे हैं। यहाँ सभी लोग गैप बना करके और मोमबत्तियाँ जला करके, अपने हाथों में मोमबत्तियाँ लेकर के यहाँ सब लोग चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि दीप बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो सुनील बौद्ध जी हैं, वो इस कार्यक्रम को यहाँ पर संचालित कर रहे हैं और पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि 50 लोगों की ही सिर्फ परमिशन यहाँ पर दी जा रही है, बाकी लोग जो हैं वो बाहर खड़े हैं। पहले ये लोग बाबा साहब को नमन करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। दीप बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को सिर्फ 50 लोगों की ही परमिशन मिली है और 50 ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोग कैंडल लेकर के, गले में पंचशील पहन करके ये सब लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए जा रहे हैं। शरणं शरणं गच्छामि जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान, जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। फर्श से अर्श पे पहुँचा डाले, फर्श से अर्श पे पहुँचा डाले, जिनका नहीं था कोई मुकाम। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान, जय जय बाबा भीम महान। यथा नाम और यथा गुणों से हरदम युक्त रहे तुम,
राग द्वेष भय लोभ मोह से हरदम मुक्त रहे तुम। यथा नाम और यथा गुणों से हरदम युक्त रहे तुम। राग द्वेष भय लोभ मोह से हरदम मुक्त रहे तुम। कर न सका जिस काम को कोई, कर न सका जिस काम को कोई, वो कर डाले तुमने काम। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान, जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। बुद्धं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि। अधिकारों से वंचित जन को सब अधिकार दिलाए, तुम जैसा मांझी पा करके शोषित जन हर्षाए। अधिकारों से वंचित जन को सब अधिकार दिलाए, तुम जैसा मांझी पा करके शोषित जन हर्षाए। सहकर कष्ट हजारों तुमने, सहकर कष्ट हजारों तुमने, निष्प्राणों में डाले प्राण। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान, जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। मरते दम तक तुमको बाबा चिंता रही हमारी, छुआछूत की कट पाएगी किस तरह बीमारी। मरते दम तक तुमको बाबा चिंता रही हमारी, छुआछूत की कट पाएगी किस तरह बीमारी। अंतिम क्षण में करा गए तुम, अंतिम क्षण में करा गए तुम, बुद्ध धम्म का हमको ज्ञान। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान, जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। बुद्धं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि। सामाजिक अपमानों से तुम हरदम त्रस्त रहे थे, कैसे हो कल्याण देश का हर पल व्यस्त रहे थे। सामाजिक अपमानों से तुम हरदम त्रस्त। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक है ये, और उसके अंदर का ये मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बाबा साहब की वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई गई हैं जो बाबा साहब ने संघर्ष किए थे, कि उस किस तरीके से संघर्ष किए थे। गुजरात में एक जो उन्होंने संकल्प लिया था, संकल्प भूमि का मेरे पीछे एक वो दिया हुआ है, दृश्य दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बाबा साहब की बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया और बहुत लंबी एक प्रतिमा बनाई गई है, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है, और तकरीबन ये 15 से 20 फुट के आसपास की होगी। और जितना भी डिजिटल तरीके से यहाँ पर सारी स्क्रीनों पे बाबा साहब को दिखाया गया है, बाबा साहब की चीज़ें दिखाई गई हैं, बाबा साहब का संघर्ष दिखाया गया है, बाबा साहब को
कहाँ कहाँ क्या क्या प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, कहाँ कहाँ उन्होंने संघर्ष करना पड़ा, सब कुछ बाबा साहब का यहाँ पर दिखाया गया है। पर एक चीज़ नहीं है जो सबसे पहले बाबा साहब कहा करते थे, 22 प्रतिज्ञाएं। यहाँ पर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नदारत हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बाबा साहब की बात करते हैं तो सबसे पहले बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा याद आती हैं, और 22 प्रतिज्ञा शायद इस भारत के कुछ राजनीतिक लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। ये वो अंबेडकर स्मारक है जो बना हुआ है, जिसमें अभी हम हैं, ये उसका नक्शा है। जो बुक की डिजाइन होती है, जो संविधान का डिजाइन है, उसी तरीके से बनाया गया है। जनवरी 1950 को जब संविधान दिया जा रहा था तो उसमें हस्ताक्षर हो रहे थे, तो ये कई लोग थे उसमें जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ये उसका भी यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है यहाँ पर। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आवाज जो है वो बहुत कम लोगों ने सुनी थी, और आज जो है वो आवाज यहाँ पर डॉक्टर स्मारक जो ये है इसमें बाबा साहब को चलते हुए और बोलते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर बाबा साहब अपनी एक स्पीच दे रहे हैं। What must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon. बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को यहाँ पर सभी लोग नमन करने आए हैं। मेरे साथ नीलेश जी भी हैं। नीलेश जी, क्या लगता है अगर बाबा साहब अभी भी हमारे साथ होते तो इस देश की क्या दशा होती, या किस तरीके का ये देश होता? आज अगर बाबा साहब होते तो जितना पैसे बाबा साहब करके गए हैं वो भी कम नहीं है, लेकिन अगर बाबा साहब आज होते तो ये जो मनुवादी ताकतें जो हम पर राज कर रही हैं आज की डेट में वो नहीं कर पाती। इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ। और अगर बाबा साहब नहीं है तो बाबा साहब आपको मूल मंत्र तो बहुत सारे दे के गए हैं, और उन ताकतों को तोड़ने का भी आपको मंत्र दे के गए हैं, तो आप क्यों नहीं तोड़ पा रहे? एक्चुअली क्या है कि हम लोगों में इक्वालिटी नहीं है जी। हजारों संगठन बना लिए, हजारों पार्टियां बना ली हैं, ठीक है ना, तो उस वजह से सबसे बड़ी, जब तक आपस में ये लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक ये राज नहीं कर पाएंगे, और राज नहीं कर पाएंगे तब तक ऐसे गुलाम बने रहेंगे। जी बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा था कि संगठन जो है, और संघर्ष करते रहो पर संगठन के साथ करोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। और ये बाबा साहब की ही देन है कि आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एसी हॉल हैं, और यहाँ पर बाबा साहब का डिजिटल तरीके से यहाँ पर सभी फोटो दिखाई जा रही हैं, सारे काम दिखाए जा रहे हैं। संविधान सौंपते हुए बाबा साहब अगर फिर से अगर यहीं होते या दोबारा जन्म ले लेते, जैसे लोग कहते हैं कि दोबारा जन्म ले लिया, अगर बाबा साहब होते तो अब क्या होता भारत का? अगर बाबा साहब इस देश में, वैसे तो हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, अगर बाबा साहब इस देश में होते तो ये मंडी और फंडी पाखंडियों की सरकार यहाँ पे नहीं होती। बाबा साहब ने अपने जीते जी भारत को जो लिखित संविधान दिया है, और उस संविधान के अकॉर्डिंग आज 70 साल हो गए देश चलते हुए, आज संविधान के बलबूते पे ये बीजेपी और कांग्रेस के राज करते आ रहे हैं, और ये गरीबों का और शोषण कर रहे हैं जितना भी ज़्यादा हो सके। जैसा कि अभी देखने वाला आपको किसान आंदोलन जी, किसान आंदोलन में किसान क्या गलत कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या बाबा साहब ने आपको हक अधिकार नहीं दिए? आज जो भी कुछ हम हैं वो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम ये शानो शौकत की ज़िंदगी ना गुजर बसर कर रहे होते जी। और हम बाबा साहब के इस कारवा को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें कुछ है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समाज में बाबा साहब के विचारों के बारे में जागरूकता, और नई पीढ़ी के बारे में जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में जानकारी दे और उनको शिक्षित बनाए, संगठित करने का जो काम हम सभी लोग एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी और ग्राउंड लेवल पर भी कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
युवा हैं और युवा ही इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं, हालांकि हर वर्ग के व्यक्ति आगे बढ़ा रहे हैं और आप हर जगह भी मिलते हैं, आज भी आप यहाँ हैं, आप आए कहाँ से? सर, मैं हरियाणा के गुड़गांव ज़िले से आया हूँ जी। और जैसे कि आप सभी को पता है बाबा साहब के 64वां परिनिर्वाण दिवस है, तो मैं बाबा साहब के यहाँ जहाँ बाबा साहब ने आखिरी सांसें ली थी, बाबा साहब को नमन करने, पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ आज पहुँचा हूँ अपने साथियों के साथ जी। पुष्प अर्पित करने के लिए सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं कि जिसमें कि बाबा साहब को जानने के लिए, अगर आप बाबा साहब को पढ़ भी नहीं सकते तो एक बार इस स्मारक में घूमने आ जाइए तो आपको बहुत सारा यहाँ पर बाबा साहब का ज्ञान मिल जाएगा। ये वो दृश्य दिखाया जा रहा है जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया था और कई लाख अनुयायियों के साथ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपना धर्म बदला था। उन्होंने ये कहा था कि मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूँ पर हिंदू मरूंगा नहीं, इसीलिए उन्होंने जो सबसे श्रेष्ठ धर्म था या धम्म था उसको ग्रहण किया, अंगीकार किया और अपनाया, अपना करके बुद्धिज़्म हम सभी भारतवासियों को दिया। मैं आपको एक वो फ़ोटो भी दिखाना चाह रहा हूँ कि जो ओरिजिनल फ़ोटो थी जो बाबा साहब ने ओरिजिनल जो धम्म जब परिवर्तन किया था, धर्म परिवर्तन किया था तो लाखों लोगों के साथ ये किया था। लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर बाबा साहिब ने भारत के इतिहास में सबसे बड़ा धर्मांतरण किया और उन्हें बोधिसत्व का सम्मान मिला। इसी स्मारक के अंदर एक बेसमेंट के अंदर एक बुद्ध की बहुत ही खूबसूरत और मार्बल का शायद A1 क्लास का जो पत्थर होता है मार्बल का, उससे भी बेहतरीन जो पत्थर होगा शायद उससे बनाया गया है ये, और बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है ये गौतम बुद्धा की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मूर्ति में कहीं पर भी एक भी दाग नहीं है, यानी उच्च कोटि का मार्बल इसमें लगाया गया है और उसे तराशा गया है, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। अगर मुझे कोई ये मूर्ति ऐसी देना चाहे तो मैं इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये मेडिटेशन सेंटर भी है और यहाँ पर लोग वंदना भी करते हैं, अपनी मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बहुत शांति से यहाँ पर बुद्ध को हम लोग सब लोग यहाँ पर नमन भी करते हैं, वंदना भी करते हैं। यहाँ पर भी बाबा साहब की एक फ़ोटो लगा करके यहाँ पर उनको पुष्प अर्पित किए गए हैं।